देखिए सबको, आज हम बात करेंगे यूनिट फिफ्थ के सेकंड पार्ट की, ठीक है। यूनिट फिफ्थ के सेकंड पार्ट की सर्च जो है, सर्च यूनिट फिफ्थ का सेकंड पार्ट है सर्च, ठीक। सर्च का मतलब होता है सर्चिंग, ठीक है। तो सर्चिंग का मतलब क्या होता है? सर्चिंग का मतलब होता है खोजना। सर्चिंग का मतलब क्या होता है? खोजना, ठीक है। तो अगर किसी चीज को हम सर्च कर रहे हैं या अगर किसी चीज को हम फाइंड कर रहे हैं कि क्या वो यहाँ यहाँ वो एग्जिस्ट करता है, अगर हम सर्च कर रहे हैं तो सर्च का क्या मतलब होता है? क्या वो एग्जिस्ट करता है? अगर एग्जिस्ट कर रहा है, वो मिल गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? सर्च सक्सेसफुल हो गया। अदरवाइज वो सर्च क्या है? अनसक्सेसफुल। सर्च क्या है? सक्सेसफुल। अदरवाइज अगर वो चीज मिल गया जिसको हम खोज रहे हैं वो चीज मिल गया, तो इसका मतलब क्या है? सर्च इज सक्सेसफुल, अदरवाइज सर्च इज अनसक्सेसफुल, ठीक है। तो हम सर्चिंग की बात कर रहे हैं। तो देखिए सर्चिंग क्या होता है? सर्चिंग हम प्रोग्रामिंग में भी करते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, चाहे वो नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, कोई भी प्रोग्रामिंग हो, हम सर्चिंग करते हैं, ठीक है। तो हम सर्चिंग करते हैं। सर्चिंग का मतलब क्या होता है? देखिए सर्चिंग का मतलब ये है, सर्चिंग भी एक डेटा स्ट्रक्चर ही है। सर्चिंग भी क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है। ये भी पाइथन का एडवांस कॉन्सेप्ट है। किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में, किसी भी प्रोग्रामिंग में हम सर्चिंग करते हैं, सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। सर्चिंग का क्या मतलब है? सर्चिंग का मतलब मेरे पास एक लिस्ट है एलिमेंट्स का, ठीक। नंबर्स दिए हुए हैं या फिर एलिमेंट्स दिए हुए हैं सर्चिंग, तो हमें सर्चिंग परफॉर्म करना है। सर्चिंग का मतलब ये है कि हम उस लिस्ट में हम एलिमेंट को सर्च करेंगे, कोई भी मेथड लगा के। अलग अलग मेथड्स हैं, कोई भी मेथड लगा के हम सर्च करेंगे। अगर वो एलिमेंट फाउंड हो जाता है या एलिमेंट मिल जाता है, तो सर्च विल बी सक्सेसफुल, अदरवाइज सर्च विल बी अनसक्सेसफुल और सर्च विल बी फेल, ठीक है। तो सर्चिंग यही होता है कि अगर मेरे पास एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, नॉर्मली एरे होता है। एरे सबको पता ही होगा कि एरे होता क्या है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स। एरे इज व्हाट? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स। एरे क्या है? एरे एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। किस टाइप के? होमोजीनियस टाइप के। अगर हम लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 8, 2, 17, 71, तो ये सारे क्या हैं? ये दिस इज एरे ऑफ इंटीजर्स। ये हम क्या बोल सकते हैं? एरे ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। एरे का सिंबल क्या होता है? वही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है। सो एरे इज व्हाट? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक। तो अगर हम क्या करते हैं कि ये जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, ये सबको दिख रहा होगा, 1, 2, 3, 4, 2, 71, ये सबको दिख रहा होगा। इस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स में, इन कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स में हम क्या करते हैं सर्चिंग में? हम जो एलिमेंट दिया है सर्च करने के लिए, उसको हम सर्च करते हैं या उसको हम खोजते हैं। जो एलिमेंट हमें सर्च करना है, सपोज दैट हमें 8 को सर्च करना है, इसमें, इसी लिस्ट में कौन सा लिस्ट है? 1, 2, 3, 4, 8, 2, 71, ठीक। तो हम सर्च करेंगे अलग अलग मेथड लगा के। अगर 8 मिल गया, तब क्या है? सर्च सक्सेसफुल है। अदरवाइज वो क्या है? सर्च अनसक्सेसफुल है। या फिर सर्च का रिटर्न क्या कर दे? ट्रू कर दे अगर वो मिल गया। अगर वो नहीं मिला तो उसका रिटर्न क्या कर दे फॉल्स कर दे, ठीक है। अगर मान लीजिए हम 18 को ढूंढ रहे हैं, 18 को सर्च कर रहे हैं उसी लिस्ट में एलिमेंट्स क्या है? 1, 2, 3, 4, 8, 2, 71, ये लिस्ट में एलिमेंट्स है। अगर हम 18 को सर्च कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? सर्च करेंगे अलग अलग मेथड्स हैं, वो अलग अलग टाइप के सर्च है, अभी आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम 18 को सर्च करना है, तो अलग अलग मेथड्स लगा के सर्च करेंगे। 18 लिस्ट में नहीं है, तो क्या हो गया? सर्च इज अनसक्सेसफुल, या रिटर्न क्या कर दे? वो फॉल्स रिटर्न कर दे, ठीक है। तो सर्चिंग क्या होता है? सर्चिंग का मतलब होता है कि एक लिस्ट में हम अलग अलग मेथड लगा के हम एलिमेंट को सर्च करें। अगर एलिमेंट मिल गया तो सर्च इज सक्सेसफुल, अदरवाइज सर्च इज अनसक्सेसफुल, ठीक। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है सर्चिंग, सर्चिंग इज अ वेरी बेसिक नेसेसिटी व्हेन यू स्टोर डेटा इन डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स।
The simplest approach is to go across every element in the data structure and match it with the value you are searching for. This is known as linear search. तो सर्चिंग का क्या मतलब होता है? सर्चिंग का मतलब होता है कि अगर हम डेटा स्ट्रक्चर में अलग अलग एलिमेंट्स को स्टोर किए हैं, डेटा स्ट्रक्चर में अलग अलग एलिमेंट्स को स्टोर किए हैं, एरे भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, एरे भी क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है. अगर हम डेटा स्ट्रक्चर में अलग अलग एलिमेंट्स को स्टोर किए हैं, ठीक, तो उसमें से अगर जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं उस एलिमेंट को फाइंड करना है सर्चिंग कहलाता है. ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच क्या है? सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच ये है कि हम एक एक एलिमेंट के पास जाएं और उससे मैच करवाएं. फर्स्ट एलिमेंट से मैच किए, सेकंड एलिमेंट से मैच किए, थर्ड एलिमेंट से मैच किए, अगर वो मिल जा रहा है वो एलिमेंट, तो वहीं वो स्टॉप कर जाएगा और सर्च क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा. अगर वो एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो हम लास्ट तक जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन अप टू लास्ट जाएंगे. अगर वो एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो सर्च क्या हो जाएगा, सर्च विल बी अनसक्सेसफुल. ठीक है, इसी को बोलते हैं लीनियर सर्च. इसी को क्या बोलते हैं? लीनियर सर्च. तो देखो फिर से लीनियर सर्च क्या होता है. लीनियर सर्च में मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है या फिर कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स होता है. वो एलिमेंट्स जो है एक लिस्ट में होते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग में सबको पता है लिस्ट का सिंबल क्या होता है. लिस्ट का सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग. उसके अंदर क्या होते हैं? उसके अंदर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं. तो लीनियर सर्च क्या करता है? लीनियर सर्च मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, उनमें से अगर हमें मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये एलिमेंट्स है, ठीक, और हमें सर्च करना है 5 को. तो लीनियर सर्च क्या करेगा? लीनियर सर्च एक एक एलिमेंट को फाइंड करेगा, एक एक बिगनिंग से शुरुआत से एक एक एलिमेंट को मैच करवाएगा. अगर वो वैल्यू फाइंड हो गई तो क्या हो जाएगा? सर्च विल बी सक्सेसफुल. अदरवाइज वो लास्ट तक जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? सर्च विल बी अनसक्सेसफुल. दिस इज कॉल्ड लीनियर सर्च. ये क्या कहलाता है? लीनियर सर्च. तो सर्चिंग का सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच क्या है? सर्चिंग का सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच लीनियर सर्च है. लीनियर सर्च में क्या है? हम एक एक एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा, भले ही वो लास्ट एलिमेंट है, भले ही वो चौथा एलिमेंट है, लेकिन हमें शुरू से चेक करना पड़ेगा. तो सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है. तो इसको सर्च करने में टाइम भी ज्यादा लगता है. ठीक है. To search the elements from the given list is called searching. And the simplest approach is linear search. Simplest approach is linear search. What is linear search? In a linear search, we have to compare the elements one by one, starting from very beginning. If the element is found, then the search will be said to be successful. Otherwise, search will be unsuccessful. ठीक है. तो ये हो गया आपका linear search. सबसे simplest approach is linear search. ये जो दो लोग अभी तुरंत ज्वाइन कर रहे हैं, दो लोग, एक प्रज्ञा सिंह, एक 96, पता नहीं, वो लोग अपना अटेंडेंस का फोटो खींच के भेज देंगे, क्योंकि अटेंडेंस का फोटो खींचा जा चुका है, अब दोबारा नहीं खींचा जाएगा. तो लीनियर सर्च देखो क्या कहता है. लीनियर सर्च इज अ मेथड फॉर फाइंडिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू इन अ लिस्ट. हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करना है, वही जो बताया है अभी को, कि अगर एक लिस्ट है उसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करना है. इट स्टार्ट्स सर्च द वैल्यू फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द लिस्ट एंड कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ द लिस्ट अंटिल द वैल्यू इज फाउंड. क्या बोल रहा है? इट स्टार्ट सर्चिंग द वैल्यू फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द लिस्ट. ये क्या करता है? वैल्यू को सर्च करता है कहां से? बिगनिंग ऑफ द लिस्ट में. एंड कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ द लिस्ट अंटिल द वैल्यू इज फाउंड. ठीक, तो तब तक वो सर्च करता है जब तक कि वो वैल्यू ना फाइंड हो जाए. अगर नहीं फाइंड होता है तब भी वो लास्ट तक
सर्च करेगा एक एक एलिमेंट को. एवरी आइटम इज चेक्ड एंड इफ अ मैच इज फाउंड देन दैट पर्टिकुलर आइटम इज रिटर्न्ड, अदरवाइज द सर्च कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर. एक एक एलिमेंट को चेक करना, अगर वो फाइंड हो गया तो उस एलिमेंट को रिटर्न करना, अदरवाइज क्या है कि जो सर्चिंग है वो कंटिन्यू रहेगी कहां तक, टिल लास्ट द टिल द एंड ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर. ठीक, बहुत आसान प्रोग्राम है ये, देखिए. ये एक लीनियर सर्च है, हमें ये एक सर्चिंग का, ये एक सर्चिंग का प्रोग्राम है लीनियर सर्च का. हम एक फंक्शन बनाया है, किस नाम का, लीनियर सर्च नाम का एक फंक्शन बनाया है. ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है या फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है? दिस इज आइदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. किस टाइप का है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या फिर फंक्शन ओरिएंटेड, किस टाइप का प्रोग्रामिंग है ये? हाँ, ये फंक्शन ओरिएंटेड है. क्योंकि क्यों? क्योंकि इसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कहीं डिफाइन नहीं है, हम उसके बाउंड्री पे ही देख लेते हैं कि वो फंक्शन ओरिएंटेड है या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. अगर क्लास बाहर डिफाइन है तो इसका मतलब क्या है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, अदरवाइज वो क्या होगा, फंक्शन ओरिएंटेड. ठीक, तो हम एक फंक्शन बनाए, हम एक फंक्शन बनाए जिसको बोल रहे हैं लीनियर सर्च डेफ कीवर्ड से. ठीक, उसके अंदर दो पैरामीटर है, एक LYS, LYS को हम लिस्ट बोल रहे हैं, LYS लिस्ट को लिस्ट बोल रहे हैं, और एलिमेंट. एलिमेंट, एलिमेंट का क्या मतलब है, क्या मतलब है एलिमेंट का, मतलब क्या है, दो पैरामीटर्स है, एक लिस्ट है एक एलिमेंट है. एलिमेंट का क्या मतलब है, यहां पर एलिमेंट का क्या मतलब है, अगर किसी को समझ में आ रहा है तो वो बताए. हम एक फंक्शन बना रहे हैं, उसके अंदर दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, एक लिस्ट को LYS से डिफाइन कर रहे हैं और फिर उसके बाद एलिमेंट. एलिमेंट का क्या मतलब है, एलिमेंट का क्या मतलब है, नहीं, एलिमेंट का मतलब ये है वो एलिमेंट जिसे हमें सर्च करना है. ठीक, समझ गए. लिस्ट का मतलब हम लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, यही तो बताया गया है ना ऑब्जेक्ट उसमें लीनियर सर्च में. लिस्ट का मतलब एक हम लिस्ट प्रोवाइड कर दिए, और एलिमेंट का क्या मतलब है, वो एलिमेंट हम रखेंगे या वो वैल्यू रखेंगे जो हमें सर्च करना है, जो हमें सर्च करना है. ठीक, फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ लिस्ट तक. ठीक है, जो लेंथ होगा लिस्ट का, रेंज फंक्शन कहां तक चल रहा है, जो लेंथ होगा किसका, लिस्ट का, जो लिस्ट का लेंथ होगा वो क्या है, लिस्ट का, लिस्ट के लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे, और रेंज फंक्शन चला दिए. ठीक है, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ लिस्ट. ठीक, इसका मतलब ये है कि जो लिस्ट है उसकी इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होगी, जो लिस्ट है उसकी इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होगी बताओ, जो लिस्ट है उसकी इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होगी. हाँ ठीक है विशाल गुप्ता, और कोई, जो लिस्ट है उसकी इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होगी, उसकी इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होगी, और कोई, जो लिस्ट है उसकी इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होगी, उसकी इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होगी जीरो से. ठीक है, वो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी जीरो से. ठीक, ये लेंथ हो गया, इसका मतलब शुरुआत वैल्यू कहां है, जीरो है, और लास्ट वैल्यू क्या है, जो लेंथ की वैल्यू है, मान लो अगर 10 है तो 0 to 9. ठीक, फॉर आई इन रेंज, आई का मतलब एक एक वैल्यू. ठीक, आई कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से लेके उसके लेंथ तक. ठीक, इफ लिस्ट डॉट आई, मतलब कि अगर आईथ पोजिशन का लिस्ट एलिमेंट, अगर ये जो है आईथ पोजिशन का लिस्ट एलिमेंट इक्वल्स टू एलिमेंट हो गया, तो रिटर्न क्या कर दिया, वही रिटर्न कर दिया, अदरवाइज वो रिटर्न क्या करे, -1 रिटर्न करे. ये समझ में आ गया किसको, किसी को समझ में आया ये प्रोग्राम, ये वाला प्रोग्राम, जिसको इसको समझ में आ गया लिखे चैट बॉक्स में. बहुत आसान प्रोग्राम है ये लीनियर सर्च का, अगर समझ में आ गया तो बताइए. और लोग अगर फिर कुछ पूछना हो तो बताइए, उसमें हम बता दें. देखो फिर से बता देते हैं, हम एक फंक्शन बनाया है लीनियर सर्च जिसका नाम है. ठीक है, उसके अंदर दो एलिमेंट हम प्रोवाइड, दो पैरामीटर्स पास कर दिए, एक लिस्ट को लिस्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एलिमेंट जो हमें फाइंड करना है उसको एलिमेंट से. ठीक, फॉर आई इन रेंज,
रेंज फंक्शन कहाँ तक चलेगा, लेन ऑफ लिस्ट तक, ठीक। लेन का क्या मतलब होता है, लेंथ, किसके, लिस्ट के, लिस्ट के लेंथ तक चलेगा, ठीक। इफ एक एक एलिमेंट को हम फाइंड करेंगे शुरू से, भाई जीरो से लेके लास्ट तक चलेगा वो, जब यहाँ लेंथ लिखा है, रेंज फंक्शन तो यही तो करता है ना, हम एक एक एलिमेंट को फाइंड करेंगे। इफ लिस्ट का आईथ एलिमेंट, लिस्ट का आईथ एलिमेंट इक्वल्स टू, उसकी वैल्यू क्या हो गई, एलिमेंट के बराबर हो गई। इफ लिस्ट का, इफ लिस्ट ऑफ टू, इफ लिस्ट ऑफ टू इक्वल्स टू एलिमेंट, एलिमेंट की वैल्यू क्या है, फाइव, अगर इसकी वैल्यू फाइव इक्वल्स टू फाइव हो गई तो यही रिटर्न कर दिया, यही रिटर्न कर दिया, अदरवाइज वो रिटर्न क्या करे, रिटर्न क्या करे, माइनस वन रिटर्न कर दे। अगर वो लिस्ट में नहीं मिल रहा है तो क्या रिटर्न कर दे, माइनस वन। जैसे देखो प्रिंट, अगर हम कर प्रिंट, हम हमें इसको एग्जीक्यूट करवाना है, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है या इम्प्लीमेंट करवाना है, तो क्या फंक्शन का नाम लीनियर सर्च, ये दो पैरामीटर्स पास करेंगे, ये दो पैरामीटर्स, ये क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव क्या है, ये क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव क्या है, क्या है वन टू थ्री फोर फाइव, हाँ वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव क्या है, लिस्ट है, ठीक, ये लिस्ट है, और ये क्या है, टू क्या है, टू वो एलिमेंट है जिसको हमें फाइंड करना है, टू हमें वो एलिमेंट है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो ये कहां से कहां तक चलेगा, यहां से यहां तक चलेगा, यहां से यहां तक, ये वाला, ये वाला, ठीक। एक एक एलिमेंट को चेंज करेगा, एक एक, इफ लिस्ट डॉट आई, लिस्ट डॉट आई मतलब लिस्ट डॉट जीरो की वैल्यू कितनी होगी, लिस्ट डॉट जीरो की वैल्यू कितनी होगी बताओ, इसमें लिस्ट जीरो की वैल्यू कितनी होगी, लिस्ट जीरो की वैल्यू वन होगी, ठीक। तो वन इक्वल्स टू, वन इक्वल्स टू टू है क्या, नहीं है, वन इक्वल्स टू टू है क्या, नहीं है, फिर क्या है, लिस्ट टू, लिस्ट टू की वैल्यू कितनी है, लिस्ट टू की वैल्यू कितनी है, टू है, ठीक। तो टू इक्वल्स टू टू है क्या, तो यही रिटर्न कर दिया, अदरवाइज वो क्या रिटर्न कर दे, माइनस वन, लास्ट तक चले, ठीक। उसको हमें प्रिंट करवाना है, उसको हमें प्रिंट करवाना है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट लीन, इस मेथड का नाम, और उसके अंदर वैल्यूज पास कर दिए, ये लिस्ट हम पास कर दिए, कॉमा वो एलिमेंट, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया होगा, अब लीनियर सर्च, ठीक। अब देखिए, अब हम प्रोग्राम को सर्च कर, अगर हम प्रोग्राम को रिटर्न करें, ये देखिए ये प्रोग्राम है, ये ऊपर वाला, ये वाला प्रोग्राम है ऊपर वाला, अगर हम इसको एग्जीक्यूट करवाएं, अभी आपको लाइव नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर हम एग्जीक्यूट करवा देंगे तो दिखे, एग्जीक्यूट करवाएं अगर इस प्रोग्राम को, ठीक है, एग्जीक्यूट करवाएं। अच्छा, इसका क्या आउटपुट आएगा, कोई बताएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, एकदम एग्जैक्ट आउटपुट बताना है, क्या इसका आउटपुट आएगा, सबको प्रोग्राम दिख रहा होगा, सबको प्रोग्राम दिख रहा होगा, इसका क्या एग्जैक्ट आउटपुट आएगा बताओ, नहीं प्रियांशु, नहीं वो नीचे लिखा हुआ तुम बता दे रहे हो, तो नीचे लिखा हुआ वही लिखे, वही देख लिए, बता दिए, और कोई बताइए, गलत है प्रियांशु, और बताइए एग्जैक्ट आउटपुट क्या आएगा इसका, नहीं नहीं इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है जीरो से ना, इसकी इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट हो रही है, आई क्या है, आई क्या है, आई क्या है, आई इंडेक्स वैल्यू है, आई इंडेक्स वैल्यू है, तो क्या इसका आउटपुट आएगा, हाँ विशाल गुप्ता सही है, और हाँ और क्या आएगा इसका आउटपुट, यही रिटर्न करेगा, क्या इसका आउटपुट आएगा, शिवांगी नहीं सही है, तुम तो फॉल्स बता दे रही हो, हाँ प्रियांशु अब सही है भाई, उसका इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा, उसका इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। इसकी इंडेक्सिंग क्या है, जीरो, इसकी इंडेक्सिंग वन है, ठीक। तो लेन ऑफ मतलब लिस्ट ऑफ वन, लिस्ट ऑफ वन एलिमेंट इज टू, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ये जीरो वन, वन रिटर्न करेगा ये, ठीक है, इसकी इंडेक्स, हाँ वन रिटर्न करेगा, ठीक है। देखो सबको दिख रहा है वन, ये वाला सबको दिख रहा है आउटपुट इसका,
वन, सबको दिख रहा होगा इसका आउटपुट वन, ठीक है। अच्छा अगर हम यहां 15 कर दें, अगर यहां हम 15 कर दें तब क्या इसका आउटपुट आएगा, अगर हम 15 कर दें वहां तो क्या इसका आउटपुट आएगा, अगर 15 कर दें, क्या इसका आउटपुट आएगा तब, हाँ 15 कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वन, ठीक है 15 कर देंगे तो माइनस वन। तो ये हो गया आपका लीनियर सर्च, इसको क्या बोलते हैं लीनियर सर्च, ठीक सबको दिख रहा होगा, आप सबको दिख रहा होगा लीनियर सर्च, बहुत आसान प्रोग्राम है, सब लोग इसको चला लेंगे लीनियर सर्च। अब देखिए फिर से सबको स्क्रीन दिख रहा होगा, अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, ठीक है कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि वो कितना टाइम लेता है एग्जीक्यूट करने में, भाई कोई भी अगर हम प्रोग्राम लिखेंगे कंप्यूटर पे कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो कुछ ना कुछ टाइम तो लेगा ना एग्जीक्यूट करने के लिए, कुछ ना कुछ टाइम लेगा एग्जीक्यूट करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करते हैं हाउ मच टाइम एंड स्पेस इट टेक्स टू एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम, दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। भाई कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर में कुछ ना कुछ स्पेस लेगा और वो कुछ ना कुछ टाइम लेगा एग्जीक्यूट करने के लिए, तो इसीलिए उसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी, उसी को क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन किया गया है हाउ मच टाइम एंड स्पेस इट टेक्स टू एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम, दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम, दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। तो इसीलिए हर प्रोग्राम की एक कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है हर प्रोग्राम की एक क्या होती है कॉम्प्लेक्सिटी। तो जितना टाइम या स्पेस लेता है उसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। बड़ी इंपॉर्टेंट आता है, हमेशा आता है पेपर में, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रोग्रामिंग से बहुत ज्यादा मतलब आपको है नहीं, तो इसीलिए जो है बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए डिफाइन किया गया है द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च इज, इसको पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ एन, क्या पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है इसको पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ एन, मीनिंग दैट द टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ आइटम्स इन आवर इनपुट लिस्ट LYS, ठीक। तो TN देखो कॉम्प्लेक्सिटी को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं TN से, TN इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ N। तो आप इसको याद कर लेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हर प्रोग्रामिंग का अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी होता है, ये ध्यान रहे हर प्रोग्राम का अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एन। अच्छा अगर कोई बोले कि लीनियर सर्च का प्रोग्राम लिखो तो कितना प्रोग्राम है लीनियर सर्च का, ये पूरा लिखना पड़ेगा कि एक भी लाइन इसमें नहीं लिखना पड़ेगा। अगर कोई पूछे कि लीनियर सर्च का प्रोग्राम लिखो तो क्या, या फिर लीनियर सर्च का एल्गो लिखो, या फिर लीनियर सर्च का फंक्शन लिखो, तो क्या ये पूरा लिखना पड़ेगा कि इसमें से एक भी लाइन छोड़ना पड़ेगा। पूरा लिखना पड़ेगा कि एक भी लाइन छोड़ना पड़ेगा। बताओ एग्जैक्ट इसमें पूछ रहे हैं हम कि इसमें छोड़ सकते हैं लिख सकते हैं, ऐसा नहीं। देखिए हम बताते हैं ये इसका एल्गो और फंक्शन है, ठीक है ये इसका एल्गो एंड फंक्शन है, ये तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है अगर फंक्शन की बात करें तो केवल यही है, ठीक ये उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है ये उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो हम पूरा इसको लिखेंगे, उसके बाद एग्जांपल के लिए इसको हम क्या करेंगे एग्जीक्यूट करवा देंगे, ठीक। तो ये हो गया लीनियर सर्च, कॉम्प्लेक्सिटी सब लोग रट लेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है तो इसीलिए सब लोग कॉम्प्लेक्सिटी रट लेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च इज ऑर्डर ऑफ एन, what is time complexity, how much time and space it takes to execute any program, this is known as complexity of the program. Complexity is generally two type, time complexity and space complexity. How much time it takes to execute any program, this is known as time complexity, and how much space it takes to execute any program, this is known as
स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम, ठीक। तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो ये आप लोग सब लोग याद कर लेंगे, टी एन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एन। अब देखिए बाइनरी सर्च, एक सबसे सिंपलेस्ट सर्च क्या है, हमें सर्चिंग ही परफॉर्म करना है लेकिन अलग अलग मेथड से, हमें सर्चिंग ही परफॉर्म करना है लेकिन अलग अलग मेथड से, ठीक है। तो सबसे सिंपलेस्ट सर्च क्या था, बाइनरी सर्च, सबसे सिंपलेस्ट सर्च था बाइनरी सर्च, अरे सॉरी लीनियर सर्च, सबसे सिंपलेस्ट सर्च क्या था, लीनियर सर्च। अब अगर हम बाइनरी सर्च की बात करें, दूसरा एक सर्चिंग है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च जो काम करता है वो डिवाइड एंड कॉन्क्यूर मेथड पे काम करता है। डिवाइड एंड कॉन्क्यूर का क्या मतलब होता है कि पहले उस प्रोग्राम, पहले उस लिस्ट को डिवाइड कर लें, पहले उस लिस्ट को डिवाइड कर लें, उसका लास्ट में उसको जोड़ दें, पहले लिस्ट को डिवाइड कर दें उसका लास्ट को जोड़ दें। देखिए ये एग्जांपल समझाया गया है बाइनरी सर्च का, उसके बाद इसके नीचे का प्रोग्राम लिखा गया है, ठीक। आसान है ये भी, एक लाइन पढ़ते हैं। बाइनरी सर्च, इन कंप्यूटर साइंस अ बाइनरी सर्च और हाफ इंटरवल सर्च एल्गोरिथम फाइंड्स द पोजीशन ऑफ अ टारगेट वैल्यू विद इन अ सॉर्टेड एरे। इसका क्या मतलब हुआ, सॉर्टेड एरे का क्या मतलब हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉर्टेड एरे। What is the meaning of sorted array? What is the meaning of sorted array? Sorted array का क्या मतलब हुआ? Sorted array का क्या मतलब हो गया? अरे sorted array का मतलब ये हो गया, sorted array का क्या मतलब हो गया, सॉर्टेड एरे का मतलब हो गया कि वो एक सीक्वेंस में है, वो आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, या तो बढ़ते हुए क्रम में या तो घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो जनरली जो पाइथन जो बाइनरी में जो सर्चिंग हम करते हैं या फिर सॉर्टिंग बोलते हैं, जब सॉर्ट हम बोलते हैं तो इसका मतलब जो एरे है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो किसमें है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक। तो इसलिए बोला गया है इन कंप्यूटर साइंस अ बाइनरी सर्च और हाफ इंटरवल सर्च एल्गोरिथम finds the position of a target value within a sorted array, ठीक। एक sorted array है, उसके अंदर हमें position find करता है कौन, binary search, ठीक। The binary search algorithm can be classified as dichotomized divide and conquer search algorithm and executes in the logarithmic time, executes in the logarithmic time, ठीक। देखिए तो binary search क्या है, कौन सा steps हम follow करते हैं, देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले ये एक एरे दिया हुआ है, सबसे पहले एक एरे दिया हुआ है नंबर का, ठीक है। ये सॉर्टेड एरे है, सॉर्टेड एरे है क्यों, क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम में ये क्या हुआ है, एलिमेंट रखा गया है, ठीक है। 6, 12, 17, 23, इसका मतलब ये सॉर्टेड है। अगर 6, 12, 23, 17, 45, 38 इस तरह रहता तो क्या होता, अनसॉर्टेड होता, क्या होता ये, अनसॉर्टेड। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते, सॉर्ट करते, सबसे पहले हम इसको क्या करते, सॉर्ट करते, किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक। तो ये नंबर हो गया, इतना रखा हुआ है। देखो हमें सर्च करना है 45 को, हमें सर्च किसको करना है, 45 को, ठीक। तो लीनियर में क्या है, एक एक एलिमेंट को हम सर्च करते चले जाते हैं, अगर वो आ जाता तो वही इंडेक्स रिटर्न हो जाता, लेकिन हमें बाइनरी सर्च करना है। बाइनरी सर्च का क्या मतलब है, अलग तरीके से। तो बाइनरी सर्च एक दूसरा मेथड है जो कि डिवाइड एंड कंक्यूर मेथड पे काम करता है। बाइनरी का क्या मतलब होता है, बाइनरी का क्या मतलब होता है, बाइनरी दो ही वैल्यू देता है, कौन कौन सा, बाइनरी दो ही वैल्यू दे सकता है, कौन कौन सा, आइदर ट्रू और फॉल्स, आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ, देखो सर्च हमें करना है 45 को, तो हम ये कर रहे हैं लो, जो लोएस्ट पोजीशन है, फर्स्ट स्टेप ये बोल रहा है, जो लोएस्ट ये इंडेक्स वैल्यू है इज जीरो, इंडेक्सिंग हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो लोएस्ट इज जीरो एंड हाईएस्ट इज एट, लो इज जीरो एंड हाई इज एट, ठीक। मीडियम क्या है, मीडियम क्या है, यहां से मीडियम निकालते हैं, लो प्लस हाई बाई टू, लो प्लस हाई बाई टू, लो की वैल्यू क्या है, लिखेंगे सब लोग चैट बॉक्स में, लो की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लो, लो की वैल्यू क्या है, लो की वैल्यू जीरो है, हाई की वैल्यू क्या है, इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम, इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ये इंडेक्स दिखा रहा है, ये जो दिखा रहा है ये इंडेक्स दिखा रहा है, हाई इज एट, हाई इज एट, ठीक। तो मीडियम क्या हो जाएगा, यहाँ फॉर्मूला लिखा गया है, लो प्लस हाई बाई टू मतलब जीरो प्लस एट बाई टू इज फोर, तो मिड इज फोर, तो हम इसकी इंडेक्स ये देखो यहाँ कर दिए, लो मिड हाई, ठीक है। अब देखो मिड का एलिमेंट क्या है,
मिड का एलिमेंट क्या है 38, अगर अगर 38 45 से लेस, अब 45 है, 38 है और हमें सर्च करना है 45, अगर जो सर्च करना है वो एलिमेंट और जो मिड पोजीशन है, मिड पोजीशन उस एलिमेंट से लेस है, अगर ये फार्मूला है, इसका मतलब 38 इज लेस देन 45 है, तो नया लो फिर से क्रिएट हो जाएगा, लो इक्वल्स टू मिड प्लस वन, लो इक्वल्स टू मिड प्लस वन। अब लो की वैल्यू क्या होगी, लो की वैल्यू क्या होगी, मिड की वैल्यू क्या थी, मिड की वैल्यू क्या थी, मिड की वैल्यू 4 थी, मिड की वैल्यू 4, लो मिड की वैल्यू 4 प्लस 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 5, नया लो क्या हो गया, यहां देखो नया लो क्या हो गया 5, हाई क्या है 8, हाई क्या है 8, तो मीडियम क्या होगा, मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई बाय 2, मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई बाय 2 इज 5 प्लस 8 बाय 2, 13 बाय 2, मतलब उसका इंटीजर पोजीशन मतलब कि 6, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मिड इज 6, ठीक है। अब देखो, अब ये खत्म हो गया, इसका मतलब हमें एलिमेंट कहाँ सर्च करना है, जैसे ही ये मिल गया सॉर्टेड है तो इसका मतलब हमें एलिमेंट इसके आगे सर्च करना है, ये देखो ये खत्म हो गया। अब इन इस पोजीशन में भाई जब हम लो को यहाँ डिफाइन कर दिए, लो को 5 डिफाइन कर दिए, मतलब इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, अब एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जब हम नया लो डिफाइन कर दिए तो एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एरे की इंडेक्सिंग 5 से स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल एरे की इंडेक्सिंग 5 से स्टार्ट हो रही है, और हाईएस्ट पोजीशन क्या है उसका 8 है, हाईएस्ट पोजीशन 8 है, ठीक है। तो फिर से वही फार्मूला, मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई बाय 2, तो 13 बाय 2 मतलब 6 हो गया, ये 6 है, ठीक है। अब देखो, अब हाई 45 इज लेस देन 77, हमें मिड से ही कंपेयर करना है बार-बार मिड से कंपेयर करना है, ठीक। अब ये अगर पोजीशन आ रहा है तो हाई इक्वल्स टू मिड माइनस वन, हाई इज फाइव, तो जहां लो इक्वल्स टू हाई मिल गया, लो इक्वल्स टू हाई इक्वल्स टू मिड, जहां ये मिल गया वहां सर्च सक्सेसफुल हो गया, वहां क्या हो गया, सर्च सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। ये बाइनरी सर्च है, ये बाइनरी सर्च है, इसका प्रोग्रामिंग नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा, ये है आपका बाइनरी सर्च। तो हमेशा मिड एलिमेंट से सर्च करते हैं, अगर मिड एलिमेंट की वैल्यू लेस है तो नया हम लो डिफाइन करेंगे, ठीक। अब अगर लो एंड मिड इक्वल्स टू हाई मिल गया तो इसका मतलब क्या हो गया, सर्च सक्सेसफुल, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, सर्च इज अनसक्सेसफुल, सर्च विल बी अनसक्सेसफुल, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है।